आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे जो नुस्खे हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले घर बैठे मिल सकेंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसी मिठाई की बात करेंगे जो महिला और पुरुष दोनों की अधिकतम बीमारियों का इलाज माना जाता है। इसका नाम है, हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं, छुहारा। जी हाँ, खजूर का सूखा रूप छुहारा, पौष्टिकता से भरपूर छुहारा, गर्म तासीर का होता है छुहारा, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। इसका सेवन साल भर आप कर सकते हैं। दोस्तों आपने बादाम का हलवा तो खूब खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी छुहारे का हलवा खाया है? नहीं तो आप आज ही छुहारे का हलवा बनाएं। इसका हलवा बादाम की तरह ही स्वादिष्ट होता है। ये हलवा इतना लाभदायक होता है, आप इसे कई दिन तक रख भी सकते हैं। आप छुहारे की चटनी बनाकर भी इसकी पौष्टिकता को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, और आप चाहें तो छुहारे का अचार भी आप बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ आती है कि छुहारे को किसी भी रूप में आपको खाना है, चाहे दूध में उबाल कर आप खा सकते हैं, आप छुहारे का हलवा बनाकर खा सकते हैं, और आप छुहारे का चटनी या अचार बनाकर भी खा सकते हैं। तो छुहारे को किसी तरह खाने से कितने सारे फायदे मिलेंगे आप देख लीजिए। नंबर एक, छुहारे का जो सेवन है वो आपके फेफड़े और चेस्ट को बलवान बना देता है और श्वास रोगों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए 2-3 छुहारे 500 ग्राम दूध में देर तक उबालें। जब दूध 300 ग्राम शेष रह जाए तो उसमें मिश्री मिलाकर सेवन कर लें। सुबह शाम 2 छुहारे चबाकर खाने और हल्का गर्म पानी पीने से कब्ज दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप किशमिश भी खा सकते हैं, वो भी आपकी कब्ज को दूर कर देगा। शारीरिक निर्बलता के कारण ऋतुस्राव में अवरोध होने पर छुहारे के सेवन से ऋतुस्राव प्राकृतिक रूप से समय समय पर होने लगता है। प्रौढ़ावस्था में रात के समय बार बार पेशाब त्याग के लिए मुश्किल हो तो कुछ दिन तक छुहारे का सेवन करें। छुहारे और गाय का दूध पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, क्योंकि छुहारे में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों छोटे बच्चों को छुहारे खिलाने से उनकी बिस्तर पर पेशाब करने की जो समस्या है खत्म हो जाती है। 2 छुहारे रात को दूध में उबालकर रात को खाने और दूध पीने से स्वर बहुत सुरीला होता है। छुहारे को दूध में उबालकर खाने और दूध पीने से एक सप्ताह में बवासीर नष्ट होने की संभावना है। छुहारे कब्ज को नष्ट करके बवासीर रोग का नियंत्रण करते हैं। कटिशूल होने पर छुहारे खाने से बहुत लाभ होता है, यानी कि आपकी कमर में किसी तरह का दर्द है तो उससे लाभ मिलेगा आपको। आंखों की पलकों पर गुहरी निकल जाने पर छुहारे की गुठली को सिल पर पानी के साथ घिसकर लगाने से शीघ्र लाभ होता है। शारीरिक रूप से मोटा होने के लिए छुहारे दूध में उबालकर रोज खाने चाहिए। शरीर में रक्त और मांस में वृद्धि होती है। दिल को शक्ति प्रदान करने के लिए छुहारा शरीर में रक्त वृद्धि करता है। 4 तोले छुहारे, 5 तोले अखरोट की गिरी और 1 तोले बिनौले की गिरी को पीस कर घी में भूनकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर खाएं। इसमें से 2 तोले मिश्रण रोजाना, ऐसे खाने से प्रमेह रोग दूर हो जाएगा। स्त्रियों के मासिक धर्म के अवरोध की समस्या दूर करने के लिए 1 छुहारा और 2 बादाम की गिरी रात को पानी में डालकर रखें। सुबह उठकर दोनों को पीस कर मिश्री और मक्खन मिलाकर खाएं, समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों खजूर और छुहारा दमे के रोगियों के लिए भी गुणकारी है, बल्कि लकवा और सीने के दर्द की शिकायत को दूर करने के लिए भी खजूर और छुहारा बहुत मदद करता है। अब हम आपको एक सावधानी थोड़ा सा बता रहे हैं, छोटी सी सावधानी है, आप देख लीजिए। छुहारा खाने और दूध पीने के बाद 1.5-2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।